हेलो दोस्तों, और आप देख सकते हैं इस तरीके से मूली की सब्जी बनाएंगे तो ना खाने वाले भी आपसे मांग कर खाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मूली की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम मूली, और यहाँ मैंने मूली को 1 से 2 बार पानी से धो के अच्छे से साफ कर लिया है, जिससे मूली पे लगा हुआ मिट्टी अच्छे से धुल गया है। और अब हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और एक नाइफ या चाकू लेंगे और मूली लेंगे। मूली के इस तरीके से ऊपर वाले भाग को हम काट के अलग कर लेंगे और मूली को हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे, और मूली के दूसरे पार्ट को भी हम इस तरीके से हाफ में कट कर लेंगे, और इसके छोटे छोटे पीस कट करके हाफ मून के शेप में हम सारे मूली को इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब मैं आप सभी को एक और तरीका बताती हूँ मूली कट करने का। इसके लिए हम मूली लेंगे और इसके पत्ते को काट के अलग कर लेंगे, और अब हम मूली को इस तरीके से लंबे साइज में कट कर लेंगे, और बीच वाले पार्ट से भी हम इसे लंबे साइज में कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे 2 बार काट लेंगे, और ये लीजिए हमारा मूली का सब्जी बहुत अच्छी तरीके से कट गया है। सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे मूली को अच्छे से काट लिया है, और अब हम इसे एक दूसरे कटोरी या बर्तन में निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे। और चॉपिंग बोर्ड पे हम मूली के सारे पत्तियों को भी इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। मूली के पत्ते में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है, तो आप इसे फेंके ना और इसका यूज़ करें। और अब हम कटे हुए मूली लेंगे। मूली में हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर से मूली में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मूली में झांस होता है, तो हम इसके लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। मसालों को अच्छी तरह मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच घर का बना फ्रेश दही डालेंगे। दही डालकर चम्मच से मिलाते हुए सारे मसालों को मूली के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर कच्चे मूली में अंदर तक आएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मूली मसालों से अच्छी तरह कवर हो गया है। हमें इसे मिला करके 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और आधा चम्मच हम इसमें 5 फ़ोरन डालेंगे। 5 फ़ोरन डालकर हम इसे तेल में अच्छी तरीके से क्रैक होने देंगे। 1 तेज पत्ता डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे हम प्याज को 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छी तरह भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा और प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये देखिए, प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और अब हम इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, और ये तीखा भी नहीं होता है। 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। पेस्ट को भूनते हुए 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। और अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए मसाले वाला मूली डालेंगे। मूली डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे मसाले भी हमारे भुन जाएंगे और मसालों के साथ मूली भी हमारी अच्छे तरीके से फ्लेवरफुल हो जाएगी। इस तरीके से मूली की सब्जी बनाएंगे तो मूली से दूर भागने वाले बच्चे हो या बड़े, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतनी टेस्टी मूली की सब्जी बनाई है या आलू की। और ये देखिए, मूली को यहाँ भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। पे हम इसमें बारीक कटे हुए 1 लाल टमाटर डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और सब्जी हमारे बिल्कुल ही कलरफुल बनेंगे। और टमाटर डालकर हम इसे भी चलाते हुए हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और मूली के साथ इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और गल गए हैं। और अब हम मूली के बारीक कटे हुए पत्ते डालेंगे। मूली के पत्ते डालकर हम इसे भी चलाते हुए मूली के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी हम मूली के साथ ही पकाएंगे,
जिससे पत्तों का फ्लेवर भी मूली में बना रहेगा जी, हमारी और ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगी। मूली के पत्तों के साथ यह मैंने मूली को अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं मूली के पत्ते भी अच्छे से गल गए हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ मैंने मैरिनेट किए हुए ही बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है। पानी डालकर हम इसे चलाते हुए अच्छे से मूली के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और सब्जी में उबाल आने देंगे। ढक कर सब्जी को हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए सब्जी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई है। हम इसे इस तरीके से चेक करेंगे और सब्जियां हमारी अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है, हम इसे चलाते हुए एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार और नमक डालेंगे और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए और पकने। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पूरी अच्छी तरह से पक गई है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर हम इसे भी चलाते हुए अच्छे से मूली में मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही मिक्स करके हम इसे पकने देंगे। और ये देखिए मूली की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरीके की मूली की सब्जी को आप रोटी, चपाती, पराठा, लच्छा पराठा, दाल चावल किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो अगर आप मूली की पराठा खा के बोर हो गए तो इस तरीके का मूली की सब्जी एक बार ज़रूर बनाएं। बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप देख सकते हैं मूली की सब्जी को यहाँ मैंने धनिया पत्ते के साथ सर्व किया है। इस तरीके से मूली की सब्जी बनाएंगे तो मूली के पराठा खाने भी भूल जाएंगे। और ये देखिए बिना झंझट के, बिना ग्रेट किए हुए हमारा मूली का सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी में।